नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मम्मा एंड बेबी पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रेगनेंसी के दौरान पेट के निचले हिस्से में दर्द के बारे में। वैसे तो मैं आपको पूरे पेट के दर्द के बारे में बताऊंगी, लेकिन खास तौर से आपको पेट के निचले हिस्से में दर्द क्यों होता है और इसके क्या कारण होते हैं, इसके लिए आप क्या उपाय कर सकते हैं, पेट में दर्द होने पे आपको डॉक्टर के पास कब जाना चाहिए। इसके अलावा एक बात कही जाती है कि प्रेगनेंसी के दौरान पेट में कहाँ दर्द होने से लड़का होता है, तो हम इसके बारे में भी जानेंगे। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो प्लीज़ कर लेना। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक भी कर दीजिएगा। तो चलिए जानते हैं। सो फ्रेंड्स, नॉर्मली प्रेगनेंसी के फर्स्ट ट्राइमेस्टर में यानी कि 1 से लेकर 3 महीने तक महिलाओं को पेट के नीचे हिस्से में दर्द होता है या फिर ऊपर के हिस्से में भी हो सकता है। इसके अलावा प्रेगनेंसी के थर्ड ट्राइमेस्टर में यानी कि 7वें से लेकर 9वें महीने में महिलाओं को ज़्यादा दर्द होता है। तो इसके पीछे क्या कारण होते हैं? तो नॉर्मली अगर हम प्रेगनेंसी के 1 से लेकर 3 महीने तक की बात करें ना, तो इस समय क्या होता है कि आपके शरीर में हार्मोन्स बहुत सारे बनते हैं, शारीरिक बदलाव होते हैं, तो इस वजह से आपको इस समय दर्द हो जाता है। स्टार्टिंग की प्रेगनेंसी में क्या होता है कि आपका भ्रूण प्रत्यारोपित होता है, तो उस समय आपको दर्द हो सकता है। इसके अलावा आपका खान पान अगर गलत है तो इस वजह से भी दर्द हो सकता है। इस समय आपको कब्ज की प्रॉब्लम हो जाती है, एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाती है, गैस की प्रॉब्लम हो जाती है, तो इस वजह से भी आपको पेट में दर्द हो सकता है। तो अपने खाने पीने का ध्यान रखिए। बहुत ज़्यादा कब्ज की प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा गैस की प्रॉब्लम है, तो डॉक्टर से मेडिसिन ले आइए। इसके अलावा दोस्तों, इस समय क्या होता है कि आपके बॉडी में बहुत ज़्यादा ब्लड फ्लो होता है, यानी कि जो रक्त प्रवाह होता है ना, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से कि आपको इस समय पेट में दर्द हो सकता है और ख़ास तौर से पेट के निचले हिस्से में। इसके अलावा उल्टी की वजह से भी पेट में दर्द हो जाता है। तो ये कारण है आपकी प्रेगनेंसी के पहले 3 महीने में पेट में दर्द के कारण। इसके अलावा अगर आपको 4थे से लेकर 6ठे महीने के बीच में भी पेट में दर्द हो रहा है ना, तो इसका कारण ब्लड फ्लो हो सकता है। इसके अलावा आपका खान पान हो सकता है, कब्ज की, गैस की प्रॉब्लम हो सकती है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। और उसके बाद अगर हम थर्ड ट्राइमेस्टर की बात करें, तो इस समय क्या होता है कि आपका गर्भाशय बढ़ जाता है, आपका बच्चा हेड डाउन पोजिशन में आ जाता है, तो वो अपने सर से दबाव बनाता है, तो इससे नीचे के एरिया में काफ़ी ज़्यादा प्रेशर पड़ता है, काफ़ी ज़्यादा दबाव पड़ता है, जिसकी वजह से कि आपको पेट के नीचे के हिस्से में दर्द होता है। इसके अलावा क्या होता है कि 7वें महीने से बहुत सारी महिलाओं को फॉल्स लिवर पेन आते हैं, यानी कि ब्रैक्सटन हिंग संकुचन आते हैं, तो इस वजह से भी आपको कई बार पेट के निचले हिस्से में दर्द हो सकता है। इसके अलावा क्या होता है कि इस समय आपका बच्चा काफ़ी ज़्यादा हलचल करता है, तो हलचल करने की वजह से कई बार बच्चा ज़ोर से लात मार देता है, या फिर ज़्यादा हलचल करने की वजह से भी मांसपेशियों में खिंचावट होती है और इस वजह से आपको दर्द हो सकता है। इसके अलावा दोस्तों, इस समय आपके बच्चे का वज़न बढ़ने लग जाता है, तो आपके बच्चे के वजन से भी आपको पेट में दर्द की प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा दोस्तों, कब्ज की वजह से, गैस और एसिडिटी की वजह से भी आपको पेट में दर्द हो सकता है। तो ये बिल्कुल नॉर्मल कारण है, जिसमें कि आपको घबराना नहीं है। कभी कभी हल्का फुल्का दर्द हो रहा है तो बिल्कुल नॉर्मल है, आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना। इसके अलावा दोस्तों, कुछ खतरनाक कारण होते हैं जिसमें कि आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अगर हम स्टार्टिंग की प्रेगनेंसी की बात करें, तो इस समय बहुत सारी महिलाओं का गर्भपात हो जाता है, तो इसकी वजह से पेट के निचले हिस्से में दर्द होता है। इसके अलावा अगर एक्टोपिक प्रेगनेंसी है, तो इसकी वजह से दर्द होता है। इसके अलावा यूरिन इन्फेक्शन, तो यूरिन इन्फेक्शन प्रेगनेंसी दौरान कभी भी हो सकता है। तो अगर आपको पेट के निचले हिस्से में दर्द हो रहा है और आपको यूरिन करते समय प्रॉब्लम हो रही है, जलन, खुजली, रेडनेस की प्रॉब्लम हो गई है, तो इस समय आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए, क्योंकि इन्फेक्शन आपके बच्चे के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इसके अलावा दोस्तों, अगर बात की प्रेगनेंसी की बात करें, तो जैसे कि अगर प्लेसेंटा टूट जाता है ना, तो उस वजह से भी पेट के निचले हिस्से में दर्द होता है। इसके अलावा अगर महिलाओं को समय से पहले डिलीवरी होने वाली होती है ना, तो उस समय भी पेट के निचले हिस्से में काफ़ी दर्द होता है। इसके अलावा बहुत सारी महिलाओं को गर्भाशय में गांठ की प्रॉब्लम हो जाती है, तो इस वजह से भी पेट के निचले हिस्से में दर्द होता है। इसके अलावा दोस्तों, और भी बहुत सारे कारण होते हैं। तो मान लीजिए कि आपका दर्द अगर बहुत ज़्यादा असहनीय हो रहा है, इतना दर्द हो रहा है कि आप बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं और लगातार दर्द हो रहा है, रुक ही नहीं रहा है, और हो सकता है कि दर्द के साथ आपको ब्लीडिंग भी आए, तो आपको ऐसे कंडीशन में तुरंत डॉक्टर के पास जाना है, बिल्कुल भी देरी नहीं करनी है। अब हम उपाय जान लेते हैं। तो उपाय आपका यही है कि अपने खान पान का ध्यान रखिए, अच्छा खाइए, बासी खाना, अनहेल्दी खाना या फिर दूषित खाना मत खाइए, जितना हो सके साफ़ सुथरा खाना खाइए, ताज़ा खाना खाइए और हेल्दी खाना खाइए, क्योंकि अगर आपको पेट में गैस की, कब्ज की, एसिडिटी की प्रॉब्लम रहेगी, तो इससे आपके दर्द रहेगा ही। अच्छा खान पान रहेगा तो आपको ये समस्या नहीं आएगी।
इसके अलावा आपको बहुत ही लंबे समय तक खड़े नहीं रहना है, क्योंकि इससे आपको पेट के निचले हिस्से में दर्द हो सकता है। बहुत ही लंबे समय तक आपको चलना भी नहीं है, इससे भी दर्द हो जाता है, और आपको आराम भी करना है, क्योंकि अगर आप बहुत लंबे समय तक लगातार काम करते हैं तो इससे आपके पेट पे काफ़ी ज़्यादा प्रेशर पड़ता है और आपको दर्द होता है, इसलिए आपको आराम भी भरपूर मात्रा में करना है। इसके अलावा आपको कोई भारी सामान भी नहीं उठाना है। अगर आप लगातार भारी सामान उठाते हैं तो इससे भी आपके पेट में दर्द की प्रॉब्लम हो जाती है, कमर में दर्द की प्रॉब्लम हो जाती है। इसके अलावा आपको कुछ ऐसा काम नहीं करना है जिससे कि आपके पेट पे दबाव पड़े। इसके अलावा दोस्तों, नॉर्मली अगर आप अपने हस्बैंड से रिलेशन रखते हैं ना, तो उसके बाद भी आपको थोड़ा बहुत पेट में दर्द हो सकता है, तो ये बिल्कुल नॉर्मल है। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप अपने हस्बैंड से रिलेशन बनाते हैं तो आपके पेट पे बिल्कुल दबाव नहीं पड़ना चाहिए, नहीं तो फिर इससे आपको और आपके बच्चे दोनों को ही प्रॉब्लम होगी और आपके पेट में भयानक दर्द भी हो सकता है। इसलिए अपने पोजीशन का ध्यान रखिए और अपने पेट पे बिल्कुल भी दबाव ना पड़ने दें। बाकी दोस्तों, एक बात का ध्यान और रखिएगा कि पानी भरपूर मात्रा में पीजिए, क्योंकि पानी की कमी से आपके शरीर में बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती है। तो पानी जितना हो सके उतना पिएं, जूस पिएं, नारियल पानी पिएं और नींबू पानी पी लो, जलजीरा पी लो, आम पन्ना पी लो, जो आपको अच्छा लगे पीना वो पियो, कोल्ड ड्रिंक और शराब छोड़ के, तो आपको फ़ायदा ही मिलेगा और आपको पेट में दर्द की प्रॉब्लम जो है वो भी दूर रहेगी। इसके अलावा आप जिस बिस्तर पे सोते हो ना, वो बिस्तर काफ़ी ज़्यादा आरामदायक होना चाहिए, क्योंकि आरामदायक बिस्तर होगा तो आपके पेट को काफ़ी ज़्यादा आराम मिलेगा और उसमें दर्द नहीं होगा। इसलिए आरामदायक बिस्तर का चुनाव करें, तकिया लगा के सोएं ताकि आपके पेट पर दबाव ना पड़े। इसके अलावा अपने आप को ज़्यादा ना थकाएं और हो सके तो अपने खान पान का ध्यान रखिए, क्योंकि बहुत सा महिला को कब्ज की वजह से, गैस की वजह से बहुत दर्द होता है, तो इन्हीं चीज़ों का ध्यान रखिए। बाकी मैंने आपको बता ही दिया कि ज़्यादा परेशानी है तो डॉक्टर के पास जाइए। बाकी अब हम जान लेते हैं कि कहाँ पर दर्द होने पर लड़का होता है, मतलब मैं नहीं बता रही हूँ, जो लोग बता रहे हैं उसके आधार पर बता रही हूँ। तो नॉर्मली कहा जाता है, अगर आपको पेट के निचले हिस्से में दर्द होता है ना, अब पेट के निचले हिस्से में अगर आपको राइट साइड दर्द हो रहा है या फिर लेफ्ट हो रहा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपको लड़का ही होगा। और अगर आपको पेट के ऊपर के हिस्से में दर्द होता है, नाभि के पास दर्द होता है, मतलब कि पेट के मध्य भाग में दर्द होता है ना, तो इससे भी आपको लड़की होने वाली होती है। ऐसा माना जाता है कि लड़कियाँ ऊपर की तरफ रहती हैं, लड़के नीचे की तरफ रहते हैं, और इसी वजह से ही अगर आपको पेट के निचले हिस्से में दर्द हो रहा है तो आपको लड़का होगा, और ऊपर के हिस्से में दर्द होगा तो लड़की होगी। बाकी दोस्तों देखिए, अगर आपको मैं सच्चाई बताऊँ तो पेट के निचले हिस्से में दर्द होने का कुछ और कारण होता है, ऊपर के हिस्से में दर्द होने का कुछ और कारण होता है, ना कि लड़का या फिर लड़की होता है। अगर किसी महिला को लड़का होने वाला है और उसका खान पान ठीक नहीं है ना, तो आप ये मान के चलो कि उसको गैस की प्रॉब्लम होगी, कब्ज की प्रॉब्लम होगी, एसिडिटी की प्रॉब्लम होगी, तो उसके पेट के ऊपर के हिस्से में ही दर्द होगा। और अगर उल्टी की प्रॉब्लम है तो पेट के मध्य भाग में दर्द होगा, यानी कि नाभि के पास दर्द होगा, तो इससे लड़का या फिर लड़की का कोई संबंध नहीं है। बाकी पेट के निचले हिस्से में दर्द क्यों होता है वो मैंने आपको बता ही दिया, क्योंकि आपका गर्भाशय धीरे धीरे बढ़ता रहता है, नीचे काफ़ी ज़्यादा प्रेशर पड़ता है, तो दर्द होना ही है, चाहे लड़का हो या फिर लड़की हो। और कुछ लोगों का ऐसा भी मानना होता है, अगर आपको पेट में दर्द रहता है तो आपको लड़का होने वाला है, और अगर आपके पीठ में दर्द है तो आपको लड़की होने वाली है। तो इसका भी मैं आपको कारण बता देती हूँ। अगर आपका खान पान ठीक नहीं है, आपके शरीर में पोषक तत्वों की कमी है, आपके शरीर में कैल्शियम की कमी है, तो ऐसे में आपके पीठ में और कमर में दर्द होगा ही होगा, चाहे आपके घर में लड़का हो या फिर लड़की हो। तो अपने खान पान का ध्यान रखिए, डॉक्टर जो भी सप्लीमेंट देते हैं उसको टाइम पर लीजिए, तो आपको दर्द कम होगा। बाकी प्रेगनेंसी है तो इसका साइड इफेक्ट भी होगा, मतलब कि थोड़ा बहुत तो दर्द रहेगा ही, थोड़ी बहुत तो परेशानी होगी ही, तो ये बिल्कुल नॉर्मल है, इसे लड़का या फिर लड़की का कोई संबंध नहीं है। बाकी अगर आपको मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं तो मुझे पेट में कहीं भी दर्द हो जाता था, और मेरा बच्चा ना, मुझे ऐसा लगता था कभी दाएं घूम रहा है, कभी बाएं घूम रहा है, कभी मुझे ऊपर की तरफ दर्द होता था, कभी नीचे की तरफ, तो मेरे साथ तो ये था। बाकी आप कमेंट करके बताना कि आपके साथ क्या हो रहा है, या फिर आप माँ बन चुकी हैं तो आपके साथ क्या था, मतलब कि कहाँ आपको दर्द होता था, कहाँ पे हलचल महसूस होती थी। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, बाकी कुछ पूछना हो तो कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, नमस्ते।